नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ। स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन क्रिकेट में। फिलहाल मैं हूँ एयरपोर्ट में, चेन्नई के टर्मिनल 4 पे, और निकलने वाले हम लोग मलेशिया जैसे कि आप टाइटल देख आ ही चुके हैं। पहले इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है हम लोगों के लिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ सिक्योरिटी वगैरह में, ज़्यादातर कैमरा की वजह से, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं अभी तक। फिलहाल अभी टर्मिनल नंबर 4 पे सुबह की फ़्लाइट है 5 बजे की, अभी रात के बज रहे हैं 1:30, और अपन लोग भी चल रही है ब्लॉगिंग। फिलहाल देखते हैं इंडिगो से फ़्लाइट बुक की, वन वे का कुछ ट्रिप का कॉस्ट आ गया था 7 से 7,500 रुपये, बैंगलोर टू चेन्नई, चेन्नई टू फिर कुआला लंपुर। बात करूँ प्राइसिंग ऑफ मतलब फ़्लाइट टिकट्स की, एक ऐप है स्काई स्कैनर करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसकी खूबी क्या है पता है आपको? आप वहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपका ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कहीं जाने का, आप सिर्फ इंडिया से डेस्टिनेशन मार दिए एवरीवेयर और फिर मंथ सेलेक्ट कर दीजिए। सपोज़ आपको अगर जाना है दिसंबर में बट आपको डेट फिक्स ही नहीं है, तो बस सेलेक्ट कर दीजिए दिसंबर, फिर आपको मतलब रिटर्न जर्नी सबसे चीपेस्ट प्राइस में आपको दिख जाएगा। और काफ़ी ऑथेंटिकेटेड ऐप है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है काफ़ी, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल चलते हैं लाउंज में, थोड़ा 1-2 घंटा खाना पीना करते हैं, कुछ खाया नहीं है सुबह से, कल सुबह से कुछ नहीं खाया। और भाई साहब चेन्नई का एयरपोर्ट रात के 1 बजे भी किसी को चैन नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और टाइप करते हैं स्काई स्कैनर। और स्काई स्कैनर की पहली वेबसाइट मतलब पहला लिंक जो दिखता है उसे खोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वन वे टिकट, टू वे टिकट, मल्टीपल सिटी, रिटर्न, बोथ वे टिकट। आपको पहले सिलेक्ट करना है ओरिजिन, मैं दे रहा हूँ इंडिया, आप कहीं पे भी दे सकते हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ कहीं भी जाने के लिए, तो मैं एवरीवेयर सिलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे एवरीवेयर नहीं आ रहा, तो मेरे को अभी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन होगा, जाऊंगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा कैन नॉट डिसाइड वेयर टू गो, आई विल सिलेक्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर सिलेक्ट करते हैं, फिर आप कब आप ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं और कब आप ट्रिप एंड करना चाहते हैं और कौन सा क्लास आप सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्लाइट का, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नियर बाय प्लेसेस से आप अगर बोर्ड करना चाहते हैं, अगर मैं सपोज मैंने सिलेक्ट किया होता बैंगलोर, मैं कंफर्टेबल हूँ चेन्नई से भी बोर्ड करने के लिए, तो मैं नियर बाय ऑप्शन क्योंकि मैंने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और फ्लाइट के लिए सर्च करते हैं। आपको इंडिया के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट्स मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते रेट्स में मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी ये मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ जून के लास्ट वीक में, तो थोड़ा सा प्राइस हाई है क्योंकि 5-6 दिन के बाद के टिकट्स मैं देख रहा हूँ। तो बांग्लादेश के टिकट मिल जाएंगे, नेपाल के, श्रीलंका, वियतनाम, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, जो कि आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, पढ़ा नहीं था बस बस ही बता रहा हूँ। तो कुआलालंपुर, जॉर्ज टाउन, अलोर सितार, लंकावी, आप जहाँ चाहें तो वहाँ जा सकते हैं और उस हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल है, आपका जैसा आइटनरी बन रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल होता है ऐसे टिकटिंग करना। तो कुआलालंपुर हम जाने वाले हैं, तो कुआलालंपुर सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप पूछ रहा है कि आप डिबोट कहाँ से कर सकते हैं, आप कोची से कर सकते हो, तिरुचिपाली से कर सकते हो, चेन्नई से कर सकते हो, बैंगलोर से कर सकते हो, आप जहाँ पे भी रहते हैं आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है चीपेस्ट फ्लाइट दिखा रहा है, आप उसे सेलेक्ट कीजिए। फिर वो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिखा देगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा, आप अगर चीपेस्ट वे में जाना चाहते हो तो चीपेस्ट सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे भी इंडिगो दिखा रहा है, एयर एशिया है, एयर एशिया में आप सस्ता फ्लाइट पा सकते हैं, बट वहाँ पे आपको चेक इन बैगेज अलाउ नहीं होगा जो भी मिनिमम फेयर, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। मैं आपको रेफर कर सकता हूँ इंडिगो, क्योंकि वो चीपेस्ट है फिलहाल, अभी भी चीपेस्ट है, 5 दिन के बाद मैं फ्लाइट बुक कराऊँ। आपको वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर ट्रिप इज माई ट्रिप, ट्रिप डॉट कॉम, इंडिगो वेबसाइट, जो भी आपको रेटिंग ठीक लग रहा है और आप कंफर्टेबल हो या फिर आपने पहले भी किया है आप कर सकते हो, क्योंकि इज माई ट्रिप से मैंने पहले भी बुकिंग की है और यहाँ पे भी चीपेस्ट दिखा रहा है, तो मैं इज माई ट्रिप सेलेक्ट कर रहा हूँ। इज माई ट्रिप को वो इज माई ट्रिप के वेबसाइट को आपको रिडायरेक्ट कर देगा, फिर आप
बस कंफर्म बुकिंग कीजिए, पेमेंट कीजिए, बस काम खत्म। अगर आपके पास कोई कूपन वगैरह हो उस वेबसाइट का तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह दीजिए और हो जाएगा आपका टिकट बुकिंग सीमलेसली और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। बस ऐसा है स्काई स्कैनर, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप चीपेस्ट वे में ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे भी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एज वेल। फिलहाल पहुंच गया हूँ अपने रूम में। पूछो मत भाई उनका ट्रेन का हाल क्या है, मतलब कहीं भी कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले पहले, और थकान भी बहुत थी तो कुछ कैमरा ऑन करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिलहाल ये तो है अपना हॉस्टल, ठीक ठाक सा है, मतलब काम चला हुआ है, कुछ 400 रुपये पड़ा किराया। अभी फिलहाल सिम किट खोज में निकला हूँ, फिर मिल जाए तो देखता हूँ। एक अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। सोच रहा हूँ रात को यहीं पे लंगर खा लूँ अगर लंगर होगा तो। कर तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे एक चाइनीज स्ट्रीट है जस्ट पीछे ही रूम के। फिलहाल सोच रहा हूँ वहीं पे जाऊँ, देखता हूँ क्या है। अभी करने का कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिम कार्ड खरीदना है, खाना खाना है, कल से कुछ खाना भी नहीं खाया, देखते हैं। यूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल हर कोई किसी को मानना पड़ता है, स्पेशली फुटपाथ जो कि इंडियंस कभी नहीं मानते है। हकीकत ये सत्य तो यही है, देखते हैं। तो ऐसा सा कुछ है चाइनीज स्ट्रीट कहते हैं इसको, चालान पैतालिंग, पैतालिंग स्ट्रीट है। अब क्या है क्या नहीं मेरे को तो नहीं आइडिया, बट मार्केट जैसा दिख रहा है, स्ट्रीट मार्केट जैसा, ज़्यादातर चाइनीज डोमिनेट एरिया है ये वाला, मैं जहाँ पे फिलहाल रुक रहा हूँ। और बात करो एयरपोर्ट की प्रोसेस की, इमिग्रेशन तो ठीक ठाक सा रहा था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं था, नॉर्मल सा कुछ क्वेश्चन थे बस उतना ही पूछ के छोड़ दिया, ठीक ठाक था। एक वीडियो बनाया तो था, देखता हूँ अगर ठीक ठाक बना होगा तो अपलोड भी कर दूँगा, वरना कोई सेंस नहीं बन रहा अपलोड करने का अगर ठीक से नहीं बना होगा। फिलहाल ये स्ट्रीट जाते हैं, आज सोच रहा हूँ यहीं आसपास घूम लूँ, कल का कल देखेंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे आपको फुटपाथ में ग्रीन होने से पहले आपको ये स्विच दबाना पड़ेगा, तो अभी देखिए वहाँ पे ग्रीन ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, अगर आप ये स्विच प्रेस करोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे फिलहाल अभी इस साइड रेड है, मेरे को उस तरफ जाना है। जल्दी ग्रीन भी हो जाएगा। फिलहाल इस तरफ ट्रैफिक अभी छुड़ा हुआ है इसीलिए ग्रीन नहीं हो रहा है, जब वीडियो बना रहा हूँ तभी यही होना है। अच्छा खासा स्ट्रीट आर्टिस्ट भी है यहाँ पे।
अच्छा खासा सा स्ट्रीट बना हुआ है, जितना वो तो दिख रहा है 200-300 मीटर तक तो है। बार्गेनिंग तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे अगर खरीदना है तो। ठीक ठाक सा एरिया था, मतलब 200 मीटर के अराउंड होगा, एक रोड है बस, थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड मिल जाएगा आपको और थोड़ा बहुत शॉपिंग करने का एरिया मिल जाएगा, बट ज़्यादातर चाइनीज डोमिनेटेड एरिया ही है पूरा। तो ये तो मतलब मलेशिया को आप यूँ मान के चलिए कि इंडियन और चाइनीज ही चल रहे, इतना डोमिनेटिंग एरिया ही है। फिलहाल चाइनीज का है, कहीं और होगा इंडियाज का, ऐसे ही होता है बाहर देशों में, एक एरिया ही डोमिनेट करता है कोई एक नेशन। फिलहाल चलते कुछ खाते हैं, भूख बड़ी तेज लग रही है। खाना कुछ मंगाया टेक्सस चिकन से, लगभग ये पड़ गया अपन लोगों को 16 रिंगेट, जो कि इंडियन 260 या 270 के आसपास होगा। देखते हैं खाना कैसा है। फिलहाल सिम तो खरीद लिया, कुछ 10 रिंगेट का पड़ा। डाटा डाला है 7 रिंगेट का, अगर आपको सिर्फ सिम ही लेना है तो 10 रिंगेट का पड़ेगा, और अगर डाटा लेगे तो 17, जो भी सिम लोगे 10 का ही पड़ेगा। मैंने खरीदा 7-Eleven से, आपको हर जगह 7-Eleven यहाँ पे आ रहा आसानी से मिल जाएगा, मेरे को पता नहीं था 7-Eleven में सिम भी मिलता है करके, फिलहाल पता चल गया, आप लोगों को आसानी हो गई। अब डायरेक्ट जाना 7-Eleven और खरीद लेना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखने का यही तो फ़ायदा है। तो यही था बस सिम का सफ़र और कोलालंपुर तक का सफ़र, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो में, और मज़े दिलाते हैं आपको कोलालंपुर मलेशिया से। बाय।